हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेट गेन करने के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि मोटे भी लोग हैं और पतले भी लोग हैं, वजन से बहुत कम कम वाले भी लोग हैं और ज़्यादा वाले भी लोग हैं, दोनों परेशान रहते हैं आइडियल वेट पे आने के लिए। तो आज हम बात करेंगे वेट गेन करने के बारे में, और आप मेरी ये 70 फॉलो करोगे तो आपको मंथ में 5 kg कम से कम तो वेट गेन हो ही जाएगा, वो भी हेल्दी मैनर में। तो बात करते हैं 7 points की। तो फर्स्ट पॉइंट, आप जब भी उठते हैं, आप पार्टी करने जाते हो तो उसके बाद आने के बाद आप मिल्क एंड बनाना पियेंगे। मिल्क में आप अश्वगंधा डाल दीजिए और बनाना आप जितना 3 से 4 जितना आप खा सकते हो उतना खाइए, पर इस बात का ध्यान दीजिए कि अश्वगंधा की क्वांटिटी बस इतनी सी होनी चाहिए, बस 2 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम। और आप उस मिल्क में या तो हनी डालिए या तो फिर गुड़ डालिए, वैसे भी चल जाएगा, बट आपको पसंद हो तो डालिए। आप चाहे तो ठंडा दूध भी पी सकते हो और गर्म भी पी सकते हो। और ये हो गया आपका मॉर्निंग का, मॉर्निंग में आपको ये लेना है बनाना एंड मिल्क, ये स्किप मत कीजिए। आप पॉटी करने के बाद आने के बाद फर्स्ट मील आपका यही होना चाहिए। और आप जब सोने जाते हो तो आप 7 से 10 खजूर आप, और खजूर के साथ आप वही मिल्क वाला फार्मूला विद दूध के साथ अश्वगंधा ये कीजिए, ये पीजिए रात को भी। अश्वगंधा आपको रिलैक्स से स्लीप देगा और डेट्स वजन बढ़ाने के लिए, वो हाई कार्ब फूड है तो आपका वजन भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो सेकंड टिप की बात करते हैं, आप दिन में कम से कम 3 बार खाना खाते ही हो ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही खाना है, आप अपना नॉर्मल मील के साथ बस इसको भी ऐड कीजिए। तो दूध और बनाना का और खजूर का बता दिया। एक बात का ध्यान रखिए, आप बनाना को 4 बजे के बाद नहीं खा सकते हो, आप रात को खजूर ही खाएंगे। तो बात करते हैं हम मेरे सेकंड पॉइंट की, आप एवरी मील थ्री मील लेने के लिए बोला है ना मैंने आपको, तो आप 3 मील लीजिए। और एवरी थ्री मील आपको लेना है ब्लैक या नॉर्मल, आपकी जो भी किशमिश मिलती है आपको वो किशमिश लेनी है आपको खाना खाने के बाद, बिफोर खाना खाने के बाद आपको वो लेनी है। तो आप 20 से 25 पीसेस वो 3 times ले सकते हो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट है ग्रीन टी। अब आप बोलेंगे ग्रीन टी तो वज़न कम करने के लिए पी जाती है, नो, ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए ली जाती है, ग्रीन टी आपका कार्ब मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है। तो आप टू मील ब्रेकफास्ट एंड लंच के बाद आप ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, लीफ वाला ग्रीन टी 1 teaspoon आप उसमें डाल दीजिए और गर्म पानी कीजिए, उसमें डाल दीजिए, 5 मिनट बाद आप गर्मा गर्म पी लीजिए। ग्रीन टी क्या करेगा, आपको जो भी खाना है उसको ठीक से डाइजेस्ट करेगा और आपको हेवी फील नहीं करने देगा। तो ग्रीन टी आपके वेट गेन में भी हेल्प करती है, वेट लॉस के लिए। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए कैसे हेल्प करती है आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, पर ग्रीन टी आपका वेट गेन करने में भी हेल्प करती है क्योंकि वो कार्ब मेटाबॉलिक पे काम करती है और डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगी। तो आपकी थर्ड टिप था ग्रीन टी। ग्रीन टी आप अवॉइड मत कीजिए, ग्रीन टी आपको डिटॉक्स तो करेगी ही करेगी पर वेट गेन करने भी आपका बहुत हेल्प करेगी। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। अब आप इतना खा रहे हो और वो बॉडी को लगने के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज करोगे तो ही आपकी बॉडी ये सब एब्जॉर्ब करेगी। तो फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप चाहे तो आप हाफ या पावना घंटे का वॉक कीजिए या फिर जिम ज्वाइन कीजिए। जिम ज्वाइन करना बेस्ट होता है बिकॉज आपका मसल भी उस टाइम डेवलप होता है और आपका वजन बहुत हेल्दी वे में गेन होता है। वैसे आप जिम में पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो तो आप वॉक भी कर सकते हो या फिर मॉर्निंग में ये रनिंग भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज करना भी आपके वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ईट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाने होंगे, जैसे कि पोटैटो, आपका साबूदाना से बहुत अच्छी तरीके से वेट गेन होता है। आपको साबूदाना खाना है, पोटैटो खाना है, स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए, और वाइट राइस खाइए आप, वाइट राइस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो वाइट राइस ही खाना चाहिए, ब्राउन राइस सबको सूट नहीं करता है, वाइट राइस ही खाइए आप। फ्राइड राइस खाना है आपको, हेल्दी कार्ब्स खाना है आपको, अपनी डाइट में हेल्दी कार्ब्स खाना है, साबूदाना अपनी डाइट में ऐड कीजिए।
शकरकंदी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं वो भी ऐड कीजिए, और नॉर्मल पोटैटो वो भी आप खाइए, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा वेट गेन करने में। वेट गेन करने के लिए आपको कार्ब के साथ चाहिए होगा फैट्स, हेल्दी फैट्स खाइए आप, नट्स खाइए जो कि आपके आपके बालों के लिए आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छे है, तो आप खाइए, आप जो अफोर्ड करते हैं वो खाइए, आप पीनट खाइए, आलमंड खाइए, कैशू नट सबसे अच्छा तरीका होता है वेट गेन, कैशू नट से बहुत अच्छी तरीके से वेट गेन होता है, तो कैशू नट को आप अपनी डाइट में स्किप मत कीजिए, कैशू नट को अपनी डाइट में ऐड ज़रूर कीजिए। तो ये था 6 पॉइंट, हेल्दी फैट जो नट से आता है वो अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप इसके लिए पम्पकिन सीड या फिर सनफ्लावर सीड और बहुत वो क्या बोलते हैं एवोकाडो ऑयल मिलता है जो आप वो भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल भी आप पी सकते हो, चम्मच से लेकर पी सकते हो आप उसको, वर्जिन होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए आप। 7th पॉइंट है मेरा, अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स कीजिए, जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं वैसे अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग कीजिए, टाइम टू टाइम डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स का मैं प्रोसेस और डिटॉक्स रेसिपीज़ में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए नीचे कि आपको डिटॉक्स रेसिपीज चाहिए, तो मैं आपके लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स, बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स आपके आपको शेयर करूँगा। वैसे डिटॉक्स ड्रिंक वेट लॉस के लिए भी काम करने आते हैं और वेट गेन करने के लिए, बिकॉज आपका बॉडी क्लियर रहेगा तो आपका हर तरह का विटामिन मिनरल अब्जॉर्ब करने की पावर बॉडी में आ जाती है, तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो या वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, तो आपके लिए डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे 7 टिप्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे, फॉलो कीजिए इसको 1 महीने तक और बताइए, कम से कम 5 kg तो आपका आराम से वेट गेन हो जाएगा, और नीचे लिखे आप एक मंथ के बाद कि आपका कितना वजन 1 मंथ में बढ़ा है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।